नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ बोर्ड ओपन बुक एग्जाम में विषय गृह विज्ञान सब्जेक्ट होम साइंस के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये आपकी नोटिफिकेशन दी गई है, तो ये आपको सारी नोटिफिकेशन पढ़नी है। यदि आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन का क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? विटामिन, खनिज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो गए? विटामिन और खनिज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखने से पहले हरी पत्तीदार सब्जियों को में लपेटना चाहिए गीला मलबल में। किसमें? गीला मलबल में। इसके बाद नेक्स्ट है, शरबत बनाने में समानता प्रयुक्त परीक्षण है। शरबत बनाने में समानता प्रयुक्त परीक्षण कौन सा है? KMS। तो कौन सा परीक्षण है? KMS। इसके बाद नेक्स्ट है, कार्य सरलीकरण से। तो कार्य सरलीकरण से क्या है? समय और ऊर्जा की बचत होती है। क्या होती है? समय और ऊर्जा की बचत होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, बच्चा अंगूठा चूसता है क्योंकि वह उबा हुआ है, असुरक्षित है, भयभीत है, तो क्यों चूसता है वो? वो ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए गए हैं तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने कार्य को अधिक दक्ष बनाने के तरीके ढूंढें। अपने कार्य को अधिक कुशल या दक्ष बनाने के ढूंढें। अपने कार्य को अधिक दक्ष या कुशल बनाने के तरीके ढूंढें। बाढ़, सूखा और तेज हवाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानक चिन्ह वाले किसी भी उत्पाद को खरीदने से उस उत्पाद का न्यूनतम क्या मूल्य सुनिश्चित होता है? क्या होता है? न्यूनतम मूल्य। क्या बोल देंगे? मूल्य। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे के मुंह में दांतों की संख्या होती है। तो मुंह में दांतों की संख्या क्या होती है? 22। इसके बाद नेक्स्ट है, तंतु वस्त्र की है। कैसे वस्त्र की है? खादी वस्त्र की है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये क्वेश्चनों को आपको इंग्लिश से मिल जाएंगे। सत्य असत्य बताइए। एक सामान्य आहार किसी भी रोगी को पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। एक सामान्य आहार किसी भी रोगी की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। गलत। जब आपकी आय ज़्यादा हो तभी आय प्रबंधन की महत्ता है। गलत। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का समय है। बिल्कुल सही। मंद बुद्धि का कारण लंबी बीमारी। गलत। ये प्राकृतिक होता है। मंजाई परिसज्जा वस्त्र को साफ करती है। बिल्कुल सही। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है,
गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? गृह विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जिसके द्वारा हम घरेलू वस्तुएं, यूज होने वाली वस्तुएं, खाना बनाना, रहना इत्यादि के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। हमको अपने घर में किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार साफ़ सफाई करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हमें गृह विज्ञान सिखाती है हम अपने जीवन को कितना और बेहतर बनाकर जी सकते हैं। नीतियाँ क्या हैं? कोई एक नीतिगत समस्या लिखी। नीति क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए एक योजना जो बनाई जाती है उसे नीति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक आहार का क्या अर्थ है? वह आहार जो एक सुनिश्चित ऊर्जा प्रदान करता है उपचारात्मक आहार कहलाता है। जिस आहार से किसी भी मनुष्य को एनर्जी, विटामिन, सभी चीज़ें मिलती हैं उपचारात्मक आहार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पारिवारिक आय किसे कहते हैं? आय की दो स्रोत लिखिए। पारिवारिक आय किसे कहते हैं? वह टोटल आय जो सभी सदस्यों द्वारा कमाई गई स्रोतों की आय का योग पारिवारिक आय कहलाती है। सभी सदस्यों द्वारा कमाई गई कुल आय का टोटल पारिवारिक आय कहलाती है। आय के दो स्रोत, पहला स्रोत है कृषि कार्य, जो खेती बाड़ी से आया हुआ पैसा होता है वो पारिवारिक आय होती है, या दूसरा होता है जॉब या कारखाना से आया हुआ पैसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिक्षा के क्या लाभ है? उपभोक्ता शिक्षा होती क्या है? व्हाट आर बेनिफिट्स और कस्टमर एजुकेशन? यदि हमारा उपभोक्ता पढ़ा लिखा है तो वो अपने लिए क्या उपयोगी है, क्या लाभदायक है, सभी चीज़ों का खुद चुनाव कर सकता है। यदि हमारा उपभोक्ता पढ़ा लिखा है तो वो अपने लिए क्या उपयोगी है, किससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से जान सकता है, समझ सकता है और दूसरों को बता सकता है। इसलिए उपभोक्ता शिक्षा के बहुत सारे लाभ है। पहला लाभ तो यही है कि वो अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। दूसरा लाभ ये है कि वो एक अच्छी वस्तुओं का उपयोग करेगा जिसमें कम पैसे खर्च होंगे और अधिक लाभदायक वस्तुएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्त्र परिसज्जा क्या है? वस्त्र परिसज्जा मतलब वस्तुओं का परिसज्जन, वस्तुओं का एक अच्छे ढंग से रखना या फिनिश करना वस्त्र परिसज्जा कहलाती है। खाद्य परीक्षण करने के 3 कारण बताइए। खान का परीक्षण करने के 3 कारण बताइए। पहला कारण ये है, यदि हमारा खाना आहार युक्त, प्रोटीन युक्त नहीं है तो वो हमारे लिए बेकार साबित होगा। खाना सुरक्षित व साफ़ सुथरा होना चाहिए। खाना ताज़ा और हल्का होना चाहिए। घर पर बिजली संरक्षण आप कैसे करेंगे? घर पर बिजली संरक्षण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला कारण ये है कि जब लाइट का उपयोग हो तभी बल्ब या पंखे चलाएं। यदि आप कमरे में हैं तभी पंखे चलाएं, यदि आप कमरे से बाहर जा रहे हो तो आप पंखे लाइट बंद करके जाएं। कोई भी उपकरण बिना यूज के ना चलाएं। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बल्ब बिजली यूज करें और अच्छी वायर का प्रयोग करें जिससे कम बिजली खपत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में विद्यालय एवं शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? किशोरावस्था में विद्यालय एवं शिक्षकों की इस प्रकार भूमिका होनी चाहिए कि वो विद्यार्थियों को बता सके उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनके भविष्य में कैसी उन्नति होगी और वो क्या कर कर अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। यदि वो कोई गलती करें तो उन्हें सिखाएं कि ऐसा करने से उनके लाइफ में क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स क्या है, इसके दो लक्षण लिखिए। यह एक बहुत ही भयानक बीमारी है। इस बीमारी से मनुष्य की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के लिए उपयुक्त वस्त्र का नाम और उसकी महत्वपूर्ण विशेषता। गर्मियों के लिए सूती वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्मियों में सूती वस्त्र गर्मी से हमें राहत पहुंचाते हैं। यदि हमने सूती वस्त्र और सफ़ेद कलर के पहने हुए हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आरामदायक होंगे और ये हमें गर्मी से बचत करवाते हैं और हल्का ठंडक महसूस करवाते हैं। लघु तंतु सूत बनाने की प्रक्रिया समझाइए। लघु तंतु सूत बनाने की प्रक्रिया, पहले कपास को लाते हैं, उसके बाद उसकी कुटाई होती है, उसके बाद फिर रेशे निकाल कर चरखे में सूत बनाया जाता है। भोजन पकाने के चार लक्षण लिखिए, चार कारण लिखिए। यदि भोजन पका हुआ होगा तो हमारे पेट में अच्छे से घुल सकता है और पेट की सभी क्रियाओं को वो पूर्ण होने में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि हमने कच्चा खाना खाया है तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया खराब हो जाएगी और हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इसलिए हमें पका हुआ भोजन खाना चाहिए। अच्छे से पका हुआ भोजन अच्छे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और पके हुए भोजन खाने से शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग के लाभ लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऐसे स्रोत जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा है। हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करके बहुत सारे लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एक निश्चित भंडार है जो कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन एक सौर ऊर्जा जो है उसका कोई सीमा नहीं है, ना कोई लिमिट है। हम कितना भी यूज कर लें वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा तथा प्रोटीन के कार्य लिखिए। शर्करा और प्रोटीन के कार्य, शर्करा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोटीन हमारे शरीर को एक कार्यवाहक बनाने के लिए सक्षम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं के विषय में लिखिए। इसके कोई चार लक्षण लगिए। बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं के विषय में, बच्चों को जैसे अपने आसपास के पर्यावरण में जो भी कुछ देखते हैं वो उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। यदि उनका पर्यावरण में आसपास व्यवहार सभी लोगों का अच्छा नहीं है तो वो भी उनका भी व्यवहार खराब हो जाएगा। यदि वो सब बच्चों के बीच रहते हैं तो उसका व्यवहार बहुत ही सब होगा। तो इस तरह व्यवहार का समस्याओं के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसाधन की परिभाषा दीजिए। संसाधन की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न की धुलाई में क्या अंतर है। रेशमी और ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र की धुलाई बहुत ही आसानी से और देखरेख में की जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्द ख़राब होने वाले वस्त्र होते हैं ऊनी वस्त्र। और रेशमी वस्त्र की धुलाई नॉर्मल सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं। सफ़ेद व रंगीन सूती वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र में दाग लगने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, इसलिए उसकी धुलाई बहुत ही निश्चित और बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। रंगीन कपड़ों की धुलाई करने में सफ़ेद कपड़े की धुलाई करने की अपेक्षा कम ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित दाग को कैसे छुड़ाएंगे? स्याही का दाग होगा, चाय का दाग रेशमी वस्त्रों पर, चाय का दाग सूती वस्त्रों पर, रक्त का दाग सूती वस्त्रों पर। इन दागों को छुटाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस टाइम पे काफ़ी डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं। आप किसी भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।